और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या राम मंदिर में बारिश का पानी टपकने की खबर है। अयोध्या राम मंदिर में पहली बारिश में पानी टपकने का सच सामने आया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ये पूरा सच बताया है। राम मंदिर में पानी टपकने की खबर पर बड़ा बयान ये है नृपेंद्र मिश्रा का। उन्होंने कहा है कि मंदिर निर्माण समिति के द्वारा इसकी जांच की गई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस पर जो कहा है वो आपको सीधे सुनवाते हैं। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरु मंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरु मंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुक गया। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थाई निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, क्योंकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया।